सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत धर्म, प्राचीन कानून, और यह वेदों पर आधारित है, पवित्र पुस्तकें जो कई लंबे समय पहले पुरुषों को दी गई थीं। इस धर्म को आर्य धर्म भी कहा गया है, क्योंकि यह वह धर्म है जो आर्य जाति के पहले राष्ट्र को दिया गया था। आर्य का अर्थ है महान, और नाम एक महान जाति को दिया गया था जो दुनिया के इतिहास में इससे पहले जाने वाली दौड़ की तुलना में चरित्र और उपस्थिति में बहुत बेहतर था। इन लोगों के पहले परिवार भूमि के उत्तरी भाग में बस गए, जिसे अब भारत कहा जाता है, और जिस हिस्से में वे पहली बार बस गए थे उसका नाम आर्यावर्त रखा गया था, क्योंकि ये आर्य इसमें रहते थे। भूमि पूर्वी महासागर से पश्चिमी महासागर तक दो पहाड़ों हिमवान और विंध्य के बीच बुद्धिमान आर्यावर्त कहते हैं। लड़के अभी भी श्रुति को उसी तरह सीखते हैं जैसे उनके पूर्वजों ने इसे बहुत प्राचीन दिनों में सीखा था, और आप उन्हें वर्तमान समय में किसी भी वैदिक पाठशाला में इसका जाप करते हुए सुन सकते हैं। श्रुति में चार वेद शामिल हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान जो जाना जाता है, और जो ज्ञान धर्म का आधार है वह मनुष्य को चार वेदों में दिया गया है। उनके नाम हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद को तीन भागों में विभाजित किया गया है, एक मंत्र या संहिता संग्रह, दो डॉट ब्राह्मणम, तीन उपनिषद। मंत्र भाग में मंत्र होते हैं या वाक्य जिसमें ध्वनियों के क्रम में एक विशेष शक्ति होती है, कुछ प्रभाव पैदा करती है। ये उन देवों के लिए भजन के रूप में हैं जिनके पुरुषों के साथ संबंधों का हम वर्तमान में अध्ययन करेंगे, और जब वे ठीक से निर्देशित व्यक्तियों द्वारा ठीक से जप किए जाते हैं तो कुछ परिणाम सामने आते हैं। इनका उपयोग धार्मिक समारोहों में किया जाता है, और समारोह का मूल्य मुख्य रूप से उनकी उचित पुरावृत्ति पर निर्भर करता है। वेदों के ब्राह्मण भाग में अनुष्ठान के बारे में निर्देश दिए गए हैं और बताया गया है कि उन समारोहों को कैसे किया जाए जिनमें पहले भाग में दिए गए मंत्रों का उपयोग किया गया था, और आगे उनके साथ जुड़ी कहानियाँ। उपनिषद भाग में ब्रह्मा की प्रकृति, सर्वोच्च और पृथक आत्मा, मनुष्य और ब्रह्मांड पर, बंधन और मुक्ति पर गहरी दार्शनिक शिक्षाएं शामिल हैं। यह सभी दर्शनों की नींव है, और जब आप पुरुष हैं तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं और इसमें आनंद ले सकते हैं। केवल उच्च शिक्षित पुरुष ही इसका अध्ययन कर सकते हैं, यह दूसरों के लिए बहुत मुश्किल है। प्राचीन काल में वेद का एक चौथाई भाग था जिसे कभी कभी कहा जाता था उपवेद। उपवेद या तंत्रम, इसमें विज्ञान शामिल था और विज्ञान के आधार पर व्यावहारिक निर्देश, लेकिन सच्चे प्राचीन तंत्र का बहुत कम हिस्सा बचा है, क्योंकि ऋषियों ने उन्हें उस समय के लिए अनुपयुक्त के रूप में ले लिया जिसमें लोग कम आध्यात्मिक थे। हालांकि अनुष्ठान के कुछ तांत्रिक रूपों का उपयोग वर्तमान वैदिक रूपों के साथ या उसके स्थान पर पूजा में किया जाता है। तंत्र के नाम से अब प्रचलित पुस्तकों को आम तौर पर वेद का हिस्सा नहीं माना जाता है। श्रुति में जो पाया जाता है वह सर्वोच्च अधिकार का है और हर वफादार अनुयायी द्वारा स्वीकार किया जाता है। अंतिम के रूप में सनातन धर्म का, सभी संप्रदाय, सभी दार्शनिक प्रणालियां श्रुति को अंतिम अधिकार के रूप में अपील करती हैं, हर विवाद का निर्धारण करती हैं। स्मृति या धर्म शास्त्र पर स्थापित किया गया है, और स्कैन अधिकार में अगला है श्रुति, और चार महान कार्यों से मिलकर बनता है जो ऋषियों द्वारा लिखित है, जिनमें से मुख्य सामग्री कानून और नियम हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन, हिंदू समाज की स्थापना कब हुई है और इन कानूनों द्वारा शासित है। वे हैं एक मनुस्मृति या मानव धर्म शास्त्र, संस्थान मनु का, दो याज्ञवल्क्य स्मृति, तीन शंख लिखिता स्मृति है, चार पराशर स्मृति है। इनमें से पहला मुख्य संग्रह है आर्य नियम, मनु महान विधिदाता है। जाति, हिंदू कालक्रम एक दुनिया के इतिहास को सात महान अवधियों या समय के चक्रों में विभाजित करता है, जिनमें से प्रत्येक एक मनु द्वारा शुरू और समाप्त होता है, और इसलिए इसे मनवंतर, दो मनुओं के बीच कहा जाता है। छह अन्य मनु, बहुत महान दिमाग और महान वैभव, इस मनु की जाति से संबंधित स्वयंभू के वंशज प्रत्येक ने उत्पादन किया है। प्राणियों,
जैसा कि प्रत्येक मन्वंतर के लिए दो मनु हैं, जो दर्शाता है कि हम चौथे मन्वंतर में हैं, सातवें मनु के शासन के तहत, जो है अगला श्लोक हमें बताता है विवस्वत का पुत्र। उनके कुछ नियम मनुस्मृति में सौंपे गए हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति के समान सामान्य रेखा का अनुसरण करती है और इसके बाद इसका महत्व है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर अन्य दो का अब ज्यादा अध्ययन या उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि श्रुति और स्मृति सनातन धर्म की नींव और दीवारें हैं। दो अन्य महत्वपूर्ण आधार हैं, जैसे बटरेस वही पुराण और इतिहास। इतिहास पुराणों में इतिहास और कहानियां और रूपक शामिल हैं, जो राष्ट्र के कम पढ़े हुए हिस्से के उपयोग के लिए रचित हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। वे पढ़ने में बहुत दिलचस्प हैं और सभी प्रकार की जानकारी से भरे हुए हैं। कुछ रूपकों को समझना मुश्किल है और शिक्षक की मदद की आवश्यकता है। इतिहास में दो महान कविताएं शामिल हैं, एक रामायणम राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र का इतिहास और उनकी पत्नी सीता और उनके भाइयों की एक सबसे दिलचस्प और रमणीय कहानी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। दो महाभारतम इतिहास उत्तरी भारत के शाही परिवार कौरवों का, जो दो दलों में विभाजित हो गए, कुरु और पांडव, जिनके बीच एक महान युद्ध छिड़ गया। इसमें सुंदर कहानियों की एक विशाल संख्या है। महान नैतिक शिक्षाएं और सभी प्रकार के उपयोगी सबक ये दो पुस्तकें रामायण और महाभारत हमें बताएं कि हम किस बारे में जानते हैं, प्राचीन भारत, उसके लोगों और रीति रिवाजों के बारे में और उसके जीने के तरीके और उसकी कला और उसका निर्माण। यदि आप इन्हें पढ़ते हैं तो आप सीखेंगे कि एक बार भारत कितना महान था, और आप यह भी सीखेंगे कि उसे एक बार फिर महान बनाने के लिए आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। सनातन धर्म का विज्ञान और दर्शन, जबकि श्रुति और स्मृति पुराण और इतिहास हिंदू धर्म की इमारत बनाते हैं, हम पाते हैं कि धर्म ने स्वयं को जन्म दिया है। विज्ञान और दर्शन का एक शानदार साहित्य। विज्ञान को शदांगनी छह अंगों शाब्दिक रूप से अंग में विभाजित किया गया था, और इन छह अंगों या शाखाओं में शामिल थे, जिन्हें अब धर्मनिरपेक्ष ज्ञान कहा जाएगा। पुराने दिनों में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष ज्ञान विभाजित नहीं थे। इनमें व्याकरण, भाषा शास्त्र, ज्योतिष, कविता, 64 विज्ञान और कलाओं के साथ, और वह विधि जिसके द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए, पर ताकि जो कोई भी छह अंगों में महारत हासिल करता था वह विविध और गहरी शिक्षा का आदमी था। दर्शन के भी छह विभाग थे, क्षण दर्शनी छह दर्शन या चीजों को देखने के तरीके, जिन्हें आमतौर पर छह सिस्टम कहा जाता है। उन सभी का एक उद्देश्य है अलग अलग मानव स्वयं को सक्षम करके दर्द को दूर करना, सर्वोच्च स्व के साथ फिर से एकजुट होने के लिए, और उन सभी के पास बुद्धि के विकास का एक तरीका है। नियोजित तरीके अलग अलग हैं करने के लिए पुरुषों के विभिन्न मानसिक संविधानों के अनुरूप, ताकि वे छह अलग अलग सड़कों की तरह हों, सभी एक शहर की ओर जाती हैं। के छह प्रणालियों में क्या निहित है दर्शन, लड़कों के लिए यह जानना पर्याप्त होगा, न्याय और वैशेषिक सभी की व्यवस्था करते हैं। दुनिया की चीजों को एक निश्चित संख्या में प्रकार में फिर इंगित करें कि एक आदमी अपनी इंद्रियों के माध्यम से या अनुमान और सादृश्य से सभी चीजों को जानता है, या अन्य बुद्धिमान और अनुभवी पुरुषों की गवाही से, और फिर वे समझाते हैं कि कैसे भगवान ने इस भौतिक दुनिया को परमाणुओं और अणुओं का बना दिया है। अंत में वे दिखाते हैं कि कैसे उच्चतम और सबसे उपयोगी ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान है, जो मनुष्य का अंतरतम आत्मा भी है, और यह ज्ञान विभिन्न तरीकों से कैसे प्राप्त किया जाता है। सांख्य अधिक विस्तार से और नए तरीकों से पुरुष, आत्मा और प्रकृति, पदार्थ और एक दूसरे के संबंध की प्रकृति की व्याख्या करता है। योग कहता है कि जैसा कि अब आम तौर पर पांच इंद्रियां और क्रिया के पांच अंग ज्ञात हैं, इसलिए अन्य सूक्ष्म इंद्रियां और अंग हैं, और अधिक पूरी तरह से समझाता है कि वे उन लोगों द्वारा कैसे विकसित किए जा सकते हैं जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जो उनकी अपनी सच्ची आत्मा है। मीमांसा बताती है कि कर्म क्या है,
अर्थात कर्म, धार्मिक और सांसारिक दोनों, और इसके परिणाम, कारण और प्रभाव क्या हैं, और यह कैसे मनुष्य को इस दुनिया या किसी अन्य दुनिया से बांधता है। वेदांत अंत में पूरी तरह से बताता है कि ईश्वर या आत्मा की सटीक और वास्तविक प्रकृति क्या है, और यह दर्शाता है कि मनुष्य का जीव सार में इस परमात्मा के समान है, और समझाता है कि मनुष्य कैसे पांच हो सकता है ताकि कर्म उसे बांधे नहीं, और अंत में समझने से परमात्मा की माया शक्ति क्या है जिसके द्वारा यह सारा संसार प्रकट होता है और प्रकट होता है और लुप्त हो जाता है, कैसे वह योग के अभ्यास के बाद स्वयं में विलीन हो सकता है और परमात्मा के साथ एकाकार हो सकता है और इस प्रकार मोक्ष प्राप्त कर सकता है।